दो शरण में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ये मेरा सेकेंड अनबॉक्सिंग, पहला वाला आप देख सकते हैं कि मेरा जो अनबॉक्सिंग था वो था नोकिया 7 प्लस, और ये है एक नया वेरिएंट वीवो का V9 परफेक्ट शॉट विद परफेक्ट व्यू। आज मैं इसका फ्यूचर्स आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले देखते हैं कि वीवो अपना मार्केटिंग में कुछ नया लाने की कोशिश किया है, क्या क्या उसका जो फ्यूचर से देखेंगे। इधर जो हम देख सकते हैं कि ये दावा करते हैं कि ये मेड इन इंडिया है, आपको देख सकते हो कि ये फुल व्यू डिस्प्ले 2.0 है और इसका ड्यूअल रियर कैमरा 20 विथ एक नया सा हम देखने को मिल रहा है कि 24 MP विथ फ्रंट कैमरा। यार कुछ कमाल हो गया कि फ्रंट कैमरा में भी हमको 24 MP मिल रहा है। मतलब कुछ फ्रंट कैमरा में भी अभी पहले आप देख सकते हो कि उतना उसको ये नहीं देते थे, सिर्फ 8 MP या 12 MP तक रहता था, लेकिन अब 24 MP का फ्रंट कैमरा हो गया। और इसका जो है 4 GB रैम विथ इंटरनल मेमोरी 64 GB रोम, यार कमाल हो गया। मतलब V9 अब मार्केट में धूम तो मचाएगी, क्योंकि इसको कंपटीशन देने के लिए कुछ दूसरा प्रोडक्ट उतना नहीं है। हम देख सकते हैं कि नोकिया 7 प्लस में सेम फीचर्स है, लेकिन फ्रंट कैमरा 16 MP है। और ऐसा ही हम फोन्स अभी मार्केट में आ रहा है, सभी का वेरिएशन बजट सेम है। मतलब 20 to 30 में आपको ऐसा फीचर्स देखने को मिलेगी। इससे कम आपको कैमरा में तो दिखेगा, लेकिन आपको इंटरनल मेमोरी में कुछ कमी या बैटरी में कुछ कमी मिलेगी। इसका जो फोन है इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका बैटरी बैकअप सब देखेंगे, कितना आवर्स चल सकता है। चलो दोस्तों अभी इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और आप देख सकते हो कि वीवो का ये नया फोन, इसको हम इधर, और भाई ये हो गया वीवो का फोन कवर विथ सिम एजेक्टर, और ये है आपका पसंदीदा वीवो V9। हम इसको ऑन करेंगे, तब तक इस बॉक्स को ये देख सकते हो कि हमको ये चार्जर मिला है, इसके साथ फास्ट चार्जर है और ईयरफोन्स गुड क्वालिटी का है। मतलब कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकते रबर वाले, मतलब वीवो का जो उनका स्टैंडर्ड रहता है वो हमको इस बॉक्स में मिलेगा। इसके साथ हमको यूएसबी केबल विद चार्जर भी मिल चुका है। अभी फोन ऑन हो रहा है, हमको इस बॉक्स में कवर भी मिल चुका है दोस्तों विद सिम एजेक्टर। हम इसको इधर रखेंगे, फोन ऑन हो रहा है, इसका जो सेटिंग्स रहता है वो मैं कंप्लीट करूंगा। आप देख सकते हो कि इसका टच और विथ स्क्रीन टच विथ ड्यूअल रियर कैमरा, यार देखने में हल्का भी है। स्किप एनीवे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आप देख सकते हो कि ये फोन ऑन हो गया है, वन टच डिवाइस स्विच ये बोल रहा है। आप देख सकते हो कि इसमें इसका कैमरा देखेंगे अभी, इसका जो शॉट से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जस्ट मैंने एक कभी क्लिक किया हूँ, आप देख सकते हो कि इसका जो कैमरा क्वालिटी है कितना बढ़िया है। चलो दोस्तों इसको अभी कंप्लीटली रिव्यू कर देते हैं। जो दोस्तों अभी हम देख सकते हो कि इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है काफी इम्प्रूव हो चुका है। मतलब फ्रंट टच ओएस 4.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड ओरियो 8.1 V9 ऐसा बोल रहे हैं। मतलब एंड्रॉइड का ही एक वर्जन है फ्रंट टच ओएस 4.0 और इंटेलिजेंट इनोवेशन विद गेम मोड 2.0 इसका जो क्वालिटी है हम देख सकते हैं कि इसका जो टच है बहुत स्मूथ और बहुत बढ़िया है।
और आगे बढ़ने, और इसका जो मैंने अभी बोल चुका हूँ कि इसका जो ड्यूअल रियर कैमरा है, यहाँ आपको 16 MP प्लस 5 MP ड्यूअल रियर कैमरा विद बुके मोड एंड शॉर्ट रिफोकस आपको मिलेगा। और फ्रंट कैमरा जो है वो है 24 MP का, और मतलब फुल व्यू डिस्प्ले 2.0। आप देख सकते हो कि ये इसका जो ये है, मतलब कितना, मतलब कुछ स्पेस नहीं वेस्ट हुआ इधर सिर्फ कैमरा के लिए। और आप देख सकते हो कि पीछा भी कितना ये है, यप। और इसका जो मेन मेन मार्केट में जो इसका जो छाया हुआ, क्योंकि इसका बजट लो कॉस्ट है, मतलब इतना सारा फीचर्स इतना कम रेट में मिल रहा है, मतलब हम उम्मीद करते हैं कि ये मार्केट में जरूर आगे बढ़ेगी। और इसका जो मेन फीचर्स 4 GB रैम का है, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ट्रैवलिंग के लिए, और आपको ये फोन को कैमरा, आप 4K रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो इस फोन में। इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए? आपको आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा फोन हम मार्केट में ऐसा और आएगा, और वीवो V9 टक्कर देने वाली फोन है मार्केट में। और सैमसंग से कुछ इम्प्रूव हो चुका है, सैमसंग अभी मार्केट में डाउन हो रहा है क्योंकि वीवो और नोकिया अभी धूम मचा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे को ऐसा फोन मिलता रहे और आपके सामने रखूंगा, और इसका जो फ्यूचर से आपको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और मैंने आपको बोला था कि बैटरी लाइफ आपको बोलूंगा कि इसका बैटरी है 3600 के करीब, यानी कि 4000 भी हम अगर इस फोन में अगर रहता तो अच्छा रहता था। अगर हम 23000 इसको बजट है फिलहाल मार्केट रेट में, हम अब 23000 करीब इसका रेट है, हम अगर आपको 4000 बैटरी एमएच मिलता तो कुछ सेटिस्फेक्शन हो जाता था। लेकिन इसका जो कैमरा क्वालिटी, जो लोगों मतलब कस्टमर सेटिस्फिकेशन के लिए 24 MP फ्रंट कैमरा है, ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है V9 भी। अभी नोकिया 7 प्लस और V9 का दोनों का मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद हो गया आ गया होगा, और मैं अपना वीडियोस में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और ये है मतलब एक शॉप, मतलब मोबाइल मास्टर्स, उनके साथ से मेरा पार्टनरशिप है, नो पेड सर्विस, मैं जस्ट उनके साथ पार्टनरशिप में हूँ। और मेरे को ऐसा ही फोन उनसे मिलता रहेगा, क्योंकि मार्केट से भी पहला फोन और ऑफर्स में मिलेगा, क्योंकि सिर्फ और मोबाइल मास्टर्स। एंड थैंक्स टू मोबाइल मास्टर्स, एंड थैंक्स टू सुरेश भैया जो मेरा ये रिकॉर्ड कर रहा है। और दिस इज द वीडियो दैट विल चेंज माय अनबॉक्सिंग स्टेटस एवरी डे, आई विल मेक इट मोर इम्प्रूव देन बेटर देन अर्लियर वंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड stay tuned and share and like it.